नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और फिर से आपका एक्सेल मुंबई ट्यूटोरियल चैनल में। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने वाला हूँ, ऐसे दो बच्चों के बारे में, जिसमें आपको एक ऐसा मैसेज भी मिलेगा। इस कहानी में दो बच्चों की कहानी है, जिसमें आपको मैं एक ऐसा मैसेज देने वाला हूँ जिससे आप समझ पाएंगे कि एक्चुअल में जो कुछ भी हमारे साथ हो रहा है या हमारे साथ होता है या हम जो कर सकते हैं या क्या नहीं कर सकते हैं, वो सबका जो रीज़न है वो क्या है, वो कारण क्या होता है। तो आइए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए अभी। सो लेट्स बिगिन। होता यह है कि एक गांव में दो छोटे बच्चे होते हैं और वो खेलते रहते हैं, खेलते खेलते वो फुटबॉल खेलते रहते हैं। खेलते खेलते उनकी बॉल एक पास ही में एक कुआ होता है, उसमें जाके गिर जाती है। तो जैसे ही बॉल कुएं में गिर जाती है तो वो दोनों थोड़े उदास हो जाते हैं, क्योंकि उनका खेल रुक जाता है और वो खेलना चाहते हैं, लेकिन फिर वो क्या कर सकते हैं। तो वो दोनों ट्राई करते हैं बॉल को निकालने का, लेकिन कुआं इतना गहरा होता है कि वो निकाल नहीं सकते। लेकिन कुआं जो था उसके ऊपर पानी सींचने के लिए एक बाल्टी रखी होती है, तो एक बाल्टी थी रस्सी के साथ। तो एक बच्चे ने दूसरे बच्चे को कहा कि तुम नीचे जाओ ये बाल्टी में बैठ के और मैं खींचूंगा। मैं आपको बता दूं कि उन बच्चों की उम्र ज़्यादा नहीं थी, दोनों बच्चे छोटे थे, एक 6 साल का था एक 8 साल का था। और जो 8 साल का था बच्चा वो बाल्टी में बैठ जाता है, और जो 6 साल का बच्चा है वो उसको पहले नीचे पहुंचाता है और फिर वो उसको ऊपर खींचने की कोशिश करता है। बच्चा नीचे तो पहुंच गया, लेकिन ऊपर आने में उसे छोटे बच्चे को जो 6 साल का बच्चा था बहुत ही मेहनत लगानी पड़ती है। वो बहुत ही ताकत लगा के कैसे भी करके वो उसको बाहर निकाल देता है। अभी आप सोच रहे होंगे कि एक 6 साल का बच्चा 8 साल के बच्चे को कैसे एक कुएं से बाल्टी में बिठा के बाहर खींच सकता है। जी हाँ, तो कहानी का उद्देश्य यही है, कहानी का सार यही है, इसका मीनिंग यही है कि हमारे अंदर वो इतनी कैपेबिलिटी है कि हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हम लाइफ में कुछ भी क्यों नहीं कर पाते हैं, उसके जो रीजंस हैं वो एक्चुअल में बहुत सारे रीजंस हैं, लेकिन जो बेसिक है, जो एक सबसे बड़ा कारण है वो ये है कि हम दूसरों की ओपिनियन के अनुसार अपनी पूरी ज़िंदगी जीते हैं। जी हाँ, हम दूसरों की राय लेते हैं और जो दूसरे लोग हैं वो आपको आगे नहीं बढ़ने देते हैं, क्योंकि उन लोगों को भी किसी और ने आगे नहीं बढ़ने दिया था। तो ये जो साइकिल है वो चलता जा रहा है। तो यदि आप इस साइकिल को ब्रेक करना चाहते हैं, तोड़ना चाहते हैं, तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए। ऐसे ही मैं आपको मोटिवेशनल वीडियोस बताता रहूँगा। और मैं आपको बता दूँ कि वो बच्चा क्यों वहाँ से बॉल निकालने में और उस बच्चे को खींचने में सक्षम हो गया, रीज़न कि उसको कोई बताने वाला नहीं था वहाँ पे कि तू ये नहीं कर सकता है। कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, ये इसका एक उदाहरण है। इस वीडियो का सार यही है कि देयर इज नथिंग इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल कुछ नहीं है जब तक तब तक कि कोई तुम्हें ये ना कहे कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो लोगों की बात मत मानो, किसी की भी राय मत लो, अपनी लाइफ में जो तुमने करने के लिए सोच लिया है, जो तुम्हारा सपना है, जो तुमने ठान लिया है कि तुम्हें ये अचीव करना है, ये करना है, तो जाइए और उस चीज़ पर फोकस कीजिए, अपने गोल पर फोकस कीजिए। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहते हैं, उनकी ओपिनियन कोई मैटर नहीं करती है। ओके, सो गेट योर गोल्स। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। खुदा हाफिज़।